हेलो, कैसे हो आप साहब? मैं एकदम बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट वीडियो के सॉरी प्रीवियस वीडियो के पार में नेक्स्ट वीडियो यही है, उसी आउटफिट के अंदर। बस हमने सूट चेंज किए हैं और शायद दिख रहे होंगे आपको, तो उसकी लेस वाला भी अभी ठीक है। अच्छा, सोच रहा था कि कुछ कर लेते हैं, घर पे आया हुआ हूँ तो कुछ तो करना ही चाहिए। देखो, तो सोचा कि क्या करें क्या करें क्या करें, फिर ख्याल आया अपनी इसके बारे में। और ये बड़ी गंदी गंदी हो रखी है, कोई इसका ख्याल नहीं रखता। मतलब ख्याल रखने वाले वैसे बहुत सारे रखते भी हैं, बट थोड़ी क्या है कि गर्मियों के मौसम में मिट्टी विट्टी उठती है राजस्थान में, तो गंदी हो ही जाती है। तो सोचा कि चलो इसकी साफ़ सफाई करने के लिए चलते हैं, लेकिन इसके लिए साफ़ सफाई करने के लिए जाना पड़ेगा हमें 20 किलोमीटर दूर, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मैं अकेला, तो वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ और आउटफिट में कुछ चेंज नहीं है। और इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही राइडिंग वाली वीडियोज़ आती रहेंगी, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, मतलब मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि आपको अलग अलग जितनी भी गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ दिखाइए, कभी ना कभी राइड होंगी इस पर तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैं सोचा कि चलो आपके लिए ही सही, और मेरी कुछ कुछ काम भी होंगे वहाँ पे, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे, तो इसलिए चलते हैं। और अभी आउटफिट के अंदर मैं चेंज करने वाला हूँ ये सब कुछ, मास्क, गॉगल्स और ये अपना रेट्रो हेलमेट, ठीक है। ओपन हेलमेट है इसलिए मास्क ज़रूरी है, चश्मा ज़रूरी है। और अपनी ये कीचेन देखो कितनी प्यारी है, ये इनफील्ड की खुद की है, और ये अपनी प्यारी बाइक। चलो चलते हैं। कैसा लग रहा हूँ बताना जरूर। सेफ्टी के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है, इसलिए पहनना चाहिए इसको। और ये पहले हेलमेट लगा लिया है, अगर पूरा तैयार हो चुका हूँ ये अपनी चाबी, तभी चलते हैं। इग्निशन ऑन हो चुका है गाड़ी का, ये रही अपनी गड्डी, इसको लेके चलते हैं। बहुत भारी है, बहुत गर्मी है राजस्थान के अंदर। थोड़ी दूर चले थे और इसका हॉर्न बजना बंद हो चुका था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, बस इसका ये जो स्विच का जो ये वाला वायर देख रहे हो बहुत गर्म है, यहाँ से बहुत हीट आ रही है, तो मेरे को अच्छे से लगाना पड़ेगा ये वाला जो वायर, इसका ये लूज हो गया है, इसको मैं टाइट करता हूँ। बहुत गर्म है यहाँ से और ये बहुत भयंकर हीट दे रहा है, ये भी टाइट हो चुका है यहाँ से, देख पा रहे होंगे आप। अभी चलते हैं, बड़ा गर्मी ने परेशान करके रखा है, ये देखो मेरी हालत, मास्क वास्क लगा के सब कुछ। और अभी निकलते हैं यहाँ से, अभी तो काफ़ी दूर बचे हैं, अभी तो 2-3 किलोमीटर ही कवर नहीं किया। गांव से आते थे झुंझुनू की तरफ, तब लगता था कि बहुत दूर है बहुत दूर है, अब चारों तरफ इतनी सारी दुकानें बन चुकी हैं, ये पता ही नहीं लगता झुंझुनू कब आ गया है। और हम आ चुके हैं हमारे रेगुलर वॉशिंग सेंटर पे, जहाँ हमारी सारी गाड़ियाँ यहीं पे वॉश होती हैं, और अपनी इनफील्ड बहुत प्यारी लग रही है वॉश होते हुए नहा रही है। और ये हो चुकी है अपनी गाड़ी प्रॉपर वॉश, और इसके रिपन करते हैं राइड, सिटी राइड करते हैं। कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में कोई ट्राइपॉड वाइपॉड नहीं है जिसमें मतलब मैं लगा सकूं अपने हेलमेट पे। और थोड़ा सा देखो कवर वर टूटा हुआ है यहाँ से, तो ये चेंज करवाऊंगा, थोड़ा ग्लास भी क्रैक है, चेंज करवा के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है फ़ोन। ये मैं पूरा चलो अभी चलते हैं। ये झुंझुनू की दुकान है, यहाँ बड़े सस्ते मिल जाते हैं ग्लास वगैरह, ग्लास तो मैंने डलवा लिया, बट ये पीछे वाला जो है ये मुझे नहीं मिला है। सनसेट हो चुका है और मैं अकेला हूँ आज, मतलब ऐसे कुछ कुछ खास नहीं है बट बोलना नहीं चाहता, बट थोड़ा डिप्रेस था, थोड़ा ठीक लग रहा है यहाँ पे आके, थोड़ा अच्छा लग रहा है पार्क में बैठ के। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर यहाँ से चलते हैं, एंड
आज तो ये पूरी कोई ना तो कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो और ना ही कुछ और कुछ खास नहीं बनी, बस ये आई थिंक एक व्लॉग बनने वाला है प्रॉपर। और ठीक है, हेलो गाइस करके हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मैं इस पार्क में बैठा हूँ और इस पार्क का नाम शहीद स्मारक है। और झुंझुनू में बहुत से जवान शहीद हुए हैं, उनकी याद में ये पार्क बनाया गया है। और शाम को यहाँ पे सारे बच्चे बूढ़े मतलब जो भी लोग हैं सारे के सारे यहाँ घूमने आते हैं और काफ़ी शांति मिलती है मुझे यहाँ आके और अच्छा भी लगता है और इसलिए मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। ये एक स्मारक के रूप में बनाया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है जय जवान। और एक ये राइफ़ल है, मुझे ये नहीं पता ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट, बट एक ये राइफ़ल है और इसका एक साइड व्यू है राइफ़ल का। जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं उन सब का यहाँ पे नाम मेंशन है। हमारे झुंझुनू शहर के अंदर बहुत से जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए और इसीलिए इस झुंझुनू शहर को शहीदों का ज़िला भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा शहीद हुए जो जवान हैं वो इसी ज़िले से आते हैं। अभी तक हमारे ज़िले से 475 जवान शहीद हो चुके हैं, इसलिए इस पार्क का नाम दिया है शहीद स्मारक झुंझुनू। अभी पहुंच गया हूँ घर में और लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। रात को मेरा भाई आया था जयपुर से तो उसको लेके आया साथ में। और अगर आपको ये व्लॉग मतलब ये कोई प्रॉपर व्लॉग सही बन गया है, वैसे व्लॉग तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आपको डेली रूटीन नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो और ऐसे ही आगे नए कंटेंट आपको और चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ताकि आपको ये कंटेंट सारा मिलता रहे। और लोगों को दिखाने हैं आपको कि ऐसा भी कोई एक इंसान है जो कुछ बना रहा है तो उसके साथ में आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, सब अपना ख्याल रखना, टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।